राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके साथ सैर करने वाले श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर, जिसे सिलीगुड़ी में इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये है सेवक रोड और हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। दोस्तों, इस्कॉन मंदिर की एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले भी है, पर उसकी क्वालिटी कुछ ठीक नहीं थी। इस वाले में मैं कोशिश करूंगी कि आपको टोटल व्यू देने की, ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए कैसा है, क्या क्या यहाँ पर खासियत है। तो हमारे साथ बने रहिए। पहुँच चुके हैं हम और ये है इस्कॉन मंदिर का दरवाज़ा। इस तरह के दरवाजे 4 से 5 हैं और यहाँ पर हम अपने जूते खोल करके वहाँ पर रखने वाला होता है, वहाँ रख देंगे। और ये रहा श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा है। सिलीगुड़ी के टॉप मंदिर में इसकी गिनती होती है और यहाँ पर आपके मन को बहुत ही अच्छी शांति मिलती है। अंदर का व्यू दिखाते हुए मैं बाहर का थोड़ा दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बगीचा आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी कलर मेरे कैमरे में हल्का है, पर रियल में ये बहुत ही डार्क ग्रीन कलर है, जो कि देखने में बहुत प्यारी लगती है। और भी बहुत सारे बगीचे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई आपको नजर आएंगी। तो आप देख सकते हैं ये है इस तरह के पूरे मंदिर के चारों ओर इस तरह के बहुत सारे आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत ही प्यारा है सिलीगुड़ी का सबसे बड़े मंदिरों में इनकी गिनती होती है। और इस मंदिर का नाम है श्री श्री राधा माधव मंदिर, जिसे इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप सिलीगुड़ी में हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा, और बाहर के हैं तो आप यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। पर्यटक लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं। काफ़ी प्यारा सा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके ब्लॉग्स एक पहले भी है, पर वो उसकी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे पास कैमरे अच्छे नहीं थे। और इस बार भी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर इस बार आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांति भरा माहौल होता है। अंदर का व्यू इससे भी ज़्यादा अच्छा है, पर अंदर वीडियो बनाने की मनाही थी, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। वैसे अंदर का भी बहुत ही प्यारा लुक है। तो आप देख सकते हैं ये है अंदर के राधा कृष्ण की मूर्ति, जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। तो अंदर का थोड़ा सा व्यू आपको देखने को मिल रहा है। और मंदिर के चारों ओर बहुत ही सुंदर सी प्रतिमाएं बनी हुई है, चित्रकारी बहुत ही सुंदर कलर किए गए हैं, जिसमें कृष्ण के जन्म से लेकर के उन्होंने जो जो लीलाएं किए हैं, कंस को मारना, शिशुपाल को मारना, या फिर यमुना किनारे रास रचाना, इस तरह के बहुत सी सुंदरी कलाकारी और मूर्ति के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी खूबसूरत कलर से रंगे हुए आपको ये चित्र देखने को मिल रहे हैं। ये चित्र नहीं है बल्कि इसमें मूर्ति की तरह है। आप देख सकते हैं ये भगवान विष्णु के सभी देवी देवताओं के साथ, और साथ ही इसके चारों ओर बहुत ही सुंदर बगीचाएं आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही प्यारी बगीचा है। और इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, 4 ओर से दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरह आप देख सकते हैं ये एक दरवाज़ा हो गया, इस तरह से 4 से 5 दरवाजे इसमें हैं। मुझे ठीक से नहीं मालूम, पर इसमें काफ़ी दरवाजे हैं और इसकी कलाकारी बहुत ही खूबसूरत है। आपको देख के मन भा लेगा, इतनी अच्छी कलाकारी मत बोलिए। और साथ ही यहाँ पे वैसे ही शांति, आपको यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। और बहुत ही प्यारी मंदिर है, मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बगीचे बने हुए हैं। इस तरह से चारों ओर मंदिर के बहुत सारे बगीचे आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। मैं आपको आउटलुक भी दिखा दूंगी।
ठीक मंदिर के सामने आपको धार्मिक किताबें मिल जाएंगी, जो कि बच्चे बूढ़ों सभी वर्ग के लिए है। तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। श्री कृष्ण भागवत कथा, रामायण, गीता, इस तरह के सभी चीज़ के पुस्तकें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ठीक आपको सामने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनि के, ये भगवान विष्णु के मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और ये मंदिर के चारों ओर का मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ, तो आप देखते जाइए। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं आपको देखने को मिल रही है। जरा दिखा दूँ आपको, श्री श्री नारायण देव मंदिर आपको वहाँ नजर आ रहा होगा, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। और ये मंदिर का चारों तरफ का लुक है, और ये इसके अपोजिट साइड है जहाँ पे बस वगैरह लगाने की जगह है। और ये मंदिर काफी बड़ा है, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ। मुझे तो यहाँ करके बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पे आना अधिक पसंद है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, तो ज़्यादा तो नहीं, पर ये मिला के मेरा दूसरा बार है, मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये वाले इमेज में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कृष्ण कैसे माखन चुरा कर खाया करते थे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। ये व्यू है जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं अपने कानी उंगली से। काफी खूबसूरत HD क्वालिटी वाली मूर्तियां लगती है, और ये किस चीज से बनी है मुझे नहीं पता, पर बहुत ही खूबसूरत है। ठीक आप ये मूर्तियां देख सकते हैं, जब श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं, तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण सिंहासन पे बैठे हैं और यहाँ पर कंस का वध कर रहे हैं, और सॉरी ये शिशुपाल का वध करते हुए श्री कृष्ण की ये छवि है। एक बार फिर से मैं बाहर से आपको मंदिर को दिखा रही हूँ। मंदिर का नाम है श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर, और इसकी कलाकारी उतनी ही खूबसूरत, मनभावन, और यहाँ पर आके आपके मन को बहुत ही शांति मिलती है। आप कभी भी सैड हो या फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपके मन को बहुत ही शांत करता है। और साथ ही यहाँ के खूबसूरत बगीचे, और ये आप देख सकते हैं ये महाभारत में जो श्री कृष्ण जो रथ चलाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बगीचे हैं, आपको यहाँ पर चारों ओर घूमिए, मज़े लीजिए, सेल्फी क्लिक कीजिए, अपने जीवन के कुछ समय भगवान को भी अर्पित कीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आकर आपको मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे काम अभी होने बाकी है, जैसे इसमें से एक ये है, यहाँ पर पहले कुछ अलग तरह के थे, पर यहाँ पर अब कुछ फोटो सेक्शन के लिए श्री कृष्ण के अलग तरह के रूपों को यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि ये भी आगे चलकर बहुत ही प्यारा सा लुक देखने को मिल रहा है, और आगे बनने के बाद और ही अच्छा दिखने वाला है। इसके चारों ओर खूब बहुत ही हरियाली है, और ये है भगवान शिव की मंदिर, जो कि 12 बजने के वजह से अब बंद कर दी गई है। और यहाँ पर भी है एक, ये है श्री श्री नरसिंह देव मंदिर। यहाँ पर चारों ओर मूर्तियाँ ही से बने हुए ये मंदिर है। नरसिंह देव मंदिर आप देख सकते हैं, ऊपर नाम में हर जगह मूर्ति मूर्ति आपको देखने को मिल रही है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं इसके चारों ओर मूर्तियाँ आपको, भगवान विष्णु की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर आपको गौशाला मिल जाएंगे, काफ़ी गाय भरे हुए हैं। कभी आइए हमारे इस्कॉन मंदिर, जो कि श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर के नाम से है, बहुत ही प्यारे मंदिर है, तो कभी आइए।
और साथ में आपको वहाँ देख सकते हैं यज्ञ के लिए ये बना हुआ है। तो फ्रेंड्स यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। तो एक बार फिर से आपको एक व्यू दिखा दूं। सॉरी ब्राइटनेस इधर से कुछ ज़्यादा ही अधिक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ तो ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालती हूँ। ऐसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगी तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।